समस्त आइकन इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जिला चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों को लेकर कई बार नकारात्मक बातें सामने आती है, लेकिन उनके द्वारा लोगों को जीवन दान देने के मामले कम ही प्रकाश में आते हैं। चिकित्सक अपनी पूरी मेहनत से न केवल लोगों का जीवन बचा रहे हैं, बल्कि उन्हें जिले से बाहर महंगे उपचार की समस्या से भी निजात दिला रहे हैं। चार रोज पूर्व धारचूला में खेलने के दौरान पांव में सरिया घुस जाने से गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय पहुंची जिज्ञासा का जटिल ऑपरेशन कर चिकित्सकों ने उसे न केवल दर्द से राहत दिलाई बल्कि उसका जीवन भी बचा लिया। जिला चिकित्सालय के सर्जन मुकेश कुटियाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर योगेश कुमार गौतम की टीम ने दर्द से कराह रही 11 वर्षीय जिज्ञासा के पांव में घुसे सरिया को निकालने के लिए 3 घंटे का जटिल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। कक्षा 6 में पढ़ने वाली जिज्ञासा अब राहत में है। परिजनों ने चिकित्सकों का आभार जताया है। नगर के जाखनी क्षेत्र में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे 12वीं कक्षा के छात्र यश कसन्याल को कार चालक ने टक्कर मार दी। छात्र को गंभीर हालत में पहले जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद कार चालक मौके से भाग निकला, जिसे बाद में लोगों ने पकड़ लिया। यश के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। 9 तारीख को मेरा बेटा ट्यूशन से वापस लौट रहा था घर को 6:30 से 7:45 के बीच में, और सामने से आती हुई एक कार के द्वारा उसको सीधे टक्कर मारी गई और वो आदमी वहाँ से फरार हो गया। मैं कार के फरार हो गया और वहाँ पर कोई हैं दुकान वाले, फिर मतलब उन्होंने उसकी कार को देख लिया शायद, तो फिर उसको आगे जाके किन्हीं लोगों ने पकड़ लिया। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ गई और फिर उसके बाद फिर उस आदमी को जिला अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया गया, और तथा मेरे बेटे को मेरे गांव वालों ने तथा और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उसको भी मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नगर में वाहनों द्वारा लोगों को टक्कर मार जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन वाहनों की टक्कर से घायल हो रहे लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। खरकदौली क्षेत्र के धौनधुरा गांव में शुक्रवार को भूधसाव से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान के मलबे में दबने से हरु देवी पत्नी गोपाल राम की मौत हो गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार विजय गोस्वामी और राजस्व उपनिरीक्षक निशा वर्मा मौके पर पहुंचे। महिला के शव को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि मकान क्षतिग्रस्त होने से हुई महिला की मौत के मामले की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जाएगी। महिला के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। बंगापानी तहसील के अंतर्गत क्षतिग्रस्त पड़ी दर्जन भर पेयजल योजनाएं अब तक सुचारू नहीं हुई हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन में कहा, पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे हजारों की आबादी परेशान हो रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को अविलंब ठीक कराए जाने की मांग की है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।